नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स ये बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे इंस्टाग्राम आईडी, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर कि भैया कब तक हमारे सीयूसेट पीजी के जो एडमिट कार्ड है रिलीज़ होगी। आपने बताया कि 1 से 11 सितंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। अब आप ये बताइए कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, हमको किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम देंगे हम, वो कब तक हमको पता चल जाएगा। बिल्कुल, आप सभी का जो डाउट है बहुत ही जायज़ डाउट है और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि पार्ट ए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पार्ट बी सॉल्व करेंगे, तो मैं सेपरेटली ये इसके अंदर पूरा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ज़्यादा वीडियो नहीं होंगी इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में, आपको मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। बसरते आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जितने भी सीयूसेट की इन्फॉर्मेशन होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे हम सीयूसेट पीजी में जो एडमिट कार्ड हैं कब तक रिलीज़ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता चल रहा है कि यूजी के एडमिशन जो आपके एंट्रेंस हैं वो अभी आपके होंगे, समझ गए। तो इन एंट्रेंस के बाद आपका 1 से 11 सितंबर के बीच में आपका एंट्रेंस चलने वाला है। बात करें जो सीयूसेट जो यूजी के एडमिट कार्ड हैं वो कब तक रिलीज़ हुए थे, 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें कि ध्यानपूर्वक सुनना, जिसमें कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस कल है तो आज आपका सेंटर तक चेंज हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब चेंज हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जो सीयूसेट है उसका जो एनटीए है, एनटीए का कोई प्रॉपर वो नहीं है कि 1 दिन पहले ही रिलीज़ करेगा या 4 दिन पहले रिलीज़ करेगा या 5 दिन पहले रिलीज़ करेगा, इनका कभी भी ये रिलीज़ कर सकते हैं। अमूमन जो देखा गया है वो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिला है, 4 से 5 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है देखने को मिला है। और एडमिट कार्ड आने के बाद आपको ये भी देखना है कि एडमिट कार्ड आ गया और आप बेफिक्र हो गए कि हमारा एडमिट कार्ड आ गया, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख जो भी आपकी डेट आएगी उस डेट में हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है इस शिफ्ट में, नहीं छोड़ना नहीं है। देखना क्या है आपको, उस समय आपका जैसे एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड देखने के बाद ये नहीं कि मेरे इस डेट को एग्ज़ाम है और आप बेफिक्र हो गए, अपनी पढ़ाई में जारी रहे, नहीं। आपको जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे 1-2 दिन पहले चेक करना है अपने साइट पे, दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्योंकि जो एनटीए है वो 1 दिन पहले भी सेंटर चेंज कर देता है, शिफ्ट चेंज कर देता है। तो आपका एंट्रेंस जो है ऐसा ना हो कि एंट्रेंस आपका ना हो पाए उस डेट में। अगर आप जाएं और अगर आपका एडमिट कार्ड में 3rd शिफ्ट थी और हो गया वहाँ पर 2nd शिफ्ट में, तो यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, समझ गए। तो 1 दिन पहले भी अपना जो एडमिट कार्ड आप चेक करेंगे, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं सीयूसेट यूजी में देखने को मिली हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। काफ़ी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसके अंदर सीयूसेट जो यूजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा दिक्कतों से हो रहा है, वहाँ पर कहीं पर जो है ग्लिचिंग आ रही है, टेक्निकल एरर हैं, या पेपर नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट, या सेंटर चेंज कर देते हैं, यहाँ का सेंटर अगर 100 किलोमीटर या बात करें 500-600 किलोमीटर दूर डाल देते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो आप सभी इतना ज़रूर करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड जैसे भी आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी, बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो एडमिट कार्ड मैंने आपको ये बता दिया 4 से 5 दिन पहले आएंगे, उन 4 से 5 दिन पहले आने के बाद ये नहीं है कि हमारा एडमिट कार्ड आ गया आप बेफिक्र हो जाएं, नहीं, आपको एंट्रेंस के 1 दिन पहले भी चेक जरूर करना है। अब जैसे भी किसी का 1 तारीख से एंट्रेंस एग्ज़ाम लग गया, किसी का 2 से लग गया, और हाँ एक और मैं आप चीज़ को बता एक चीज़ और बता दूँ आपको, 1 से 11 सितंबर के बीच में तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड को आपको ये भी दिखा देगा कि मतलब इसका जो एग्ज़ाम है, जैसे कि बात करें आपका एमएससी का एग्ज़ाम है, तो एमएससी का एग्ज़ाम इस डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और जो उसका शेड्यूल है मतलब 1 से 11 तारीख के बीच के अंदर एनटीए जो है, 1 से 11 तारीख के बीच में जो एनटीए है, जो जितने भी पेपर होने वाले हैं, जिस जिस शिफ्ट में जो जो पेपर होंगे, जिस जिस डेट में होंगे, उनके लिए पूरा शेड्यूल आएगा अभी, समझिए। तो उसके लिए भी आप बेफिक्र बैठिए, वो भी जैसे ही आएगा वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि 11 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इन डेटों में जो जो एग्ज़ाम होंगे, जिस जिस शिफ्ट में होंगे और जिस डेट में होंगे, उसके लिए प्रॉपर एक शेड्यूल जरूर आता है, समझ गए। तो एनटीए का जैसे भी वो शेड्यूल आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई आर्टिकल से या किसी भी न्यूज़ से सुनकर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जो आएगी इन्फॉर्मेशन वही आपको बताई जाएगी और जो देखी जा रही है सोर्स के हिसाब से आपको बताया जाएगा, समझ गए। बने रहें चैनल पर, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी चाहे वो सीयूसेट की हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो आपको बताई जाएगी।
अब बात करते हैं JNU वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर पैटर्न का रहता है। बिल्कुल पेपर पैटर्न का बात करें तो पार्ट ए पार्ट बी जो है देखने को मिलता है। प्लस में बात करें JNU की, सबसे पहले मैं बात करूँगा 66 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ और ये सभी जो इन यूनिवर्सिटीज़ हैं 66 इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं CSET PG में। समझ के बात करें कि जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनका कैसे लिया जा रहा है, पार्ट ए पार्ट बी में लिया जा रहा है। बात करें JNU की तो JNU ने पूरा क्लियरिफाई कर दिया था बहुत दिन पहले ही, मतलब नोटिस में देखा गया था कि उनका जो नोटिस है उसमें दिया था, ये वहाँ इन्होंने ये दिया था कि हम पूरा 100% वेटेज देंगे पार्ट बी को। पार्ट बी का मतलब समझ रहे हो, डोमेन स्पेसिफिक जो भी आपका कोर्स आपने लिया है, जैसे कि आपने कोर्स फिल किया कि MA हिंदी, MA पॉलिटिकल साइंस, उसका जो 75% होगा, मतलब उसका ही, मतलब जो 75 जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ही 100% माना जाएगा, उसमें जिसके बढ़िया नंबर होंगे उसी को JNU में एडमिशन दिया जाएगा। पार्ट ए बात करें, पार्ट आपने चूज़ करा है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया या हिंदी लैंग्वेज लिया या एक दो रीजनिंग मैथ, ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये भी पार्ट है। ये सॉल्व करना है कि नहीं करना, ये भी बच्चे अभी मुझसे कमेंट बॉक्स में काफ़ी पूछेंगे, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप BHU में एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, BHU आपने जो है फॉर्म में फिल किया हुआ है, तो आपको ये भी देखना है कि BHU पार्ट ए ज़रूर कंसिडर करेगा, तो BHU में जो है पार्ट ए ज़रूर आएगा। तो पार्ट ए में भी आपको स्कोर करना है अगर आपने BHU फिल किया है, तो आप ये ना करें कि पार्ट बी को सॉल्व करके बैठ जाएं और पार्ट ए सॉल्व ना करें। हालांकि मैं सभी को तो नहीं बोल सकता कि सभी का JNU में एडमिशन हो जाएगा, हाँ हम अपनी तरफ से तो रखते हैं कि हाँ सभी का एडमिशन हो जाए, पर जो भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि यार JNU काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और मेरी तैयारी इतनी नहीं है, नहीं हो पाएगा, तो आप पार्ट ए ज़रूर करना, क्योंकि पार्ट ए में जो है रीजनिंग, मैथ, GS, ये सभी मतलब नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं यही देखने को मिलेंगे। 25 मार्क्स रहेंगे जो बताया जा रहा है, समझ गए, उसको अगर आप सॉल्व कर देते तो यार वहाँ आपके मार्क्स जो हैं गेन हो सकते हैं, जिसको फर्स्ट पेपर जिसका सही होगा, मतलब पार्ट ए पेपर जिसका अच्छा होगा पार्ट बी में थोड़ा सा मिला के उसका अच्छे से नंबर अगर बन जाता है, तो आप जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 66 में से एक निकाल दिया जाए JNU, 65 जितनी भी बच रही हैं उनमें जो भी पार्ट ए कंसिडर करता है, पार्ट बी कंसिडर करता है, कितने कितने रेशो में कंसिडर करता है, उस हिसाब से आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने पार्ट बी ही सॉल्व करके आते हैं डोमेन स्पेसिफिक और उसमें नंबर कट जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो आप JNU के भरोसे नहीं बैठ सकते, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पार्ट ए कंसीडर करती हैं, तो पार्ट ए ज़रूर करना, समझ गए। जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, और ज़्यादातर स्टूडेंट मैं बताऊं आपको जो पार्ट ए ज़रूर सॉल्व करेंगे, समझ गए, पार्ट ए इसलिए सॉल्व करेंगे, पार्ट ए जो है स्कोरिंग है, पार्ट बी सबका तेज होता है, आप ये कभी भी किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठना, पार्ट बी सबका तेज होता है, जो पार्ट बी जो आपका डोमेन स्पेसिफिक का होता है सबका तेज होता है, पर जो पार्ट ए होता है, समझ गए, उसमें बच्चे किस लिए स्कोर करा जाते हैं, जिनका फर्स्ट पेपर सही हो जाता है वो फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स लग के और डोमेन में तो अच्छे होते ही हैं सबके, दोनों में से सबसे ऊपर आ जाते हैं, पर जो केवल डोमेन के भरोसे बैठा रहता है उसका पार्ट ए कमज़ोर हो जाता है, डोमेन अच्छा कर लेता है पर वहाँ पर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके दोनों पार्ट अच्छे होने चाहिए, और जिसके अच्छे हो जाते हैं वो कंपटीशन में अपनी जो है महारत हासिल कर लेता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट ए पार्ट बी दोनों सॉल्व करना है, और JNU के लिए केवल 75 क्वेश्चन जो आएंगे डोमेन के वही 100% वेटेज लिया जाएगा, समझ गए। ये सभी बातें थी आप सभी के लिए, और ये भी मैं आपको बता दूँ पेपर बहुत नॉर्मल आ रहा है, पेपर जो UG में आया है वो बहुत नॉर्मल पेपर आया है, कट ऑफ आए जाने की पूरी संभावना है, इसलिए आप सभी PG वाले स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि आप जिस भी बुक से तैयारी करें, जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से उसको समझिए, सभी क्वेश्चंस को लगाइए, और उसके बाद आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, आप सभी को ये भी बता दूं मैं, पेपर बहुत इजी आएगा, पेपर आप अच्छे से कर लेंगे, क्यों इजी आएगा, अब ये भी आप बोलेंगे यार पेपर इजी आएगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ इजी क्योंकि अगर आप इस फील्ड में, मतलब एडमिशन की फील्ड में, मैं इसमें बहुत पुराना हूँ, हालांकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, जब JNU में आपको पता होगा पहले डिस्क्रिप्टिव चलता था, लिखित परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा होने के बाद आपका एडमिशन लिया जाता था, 19 में ये पैटर्न चेंज हुआ था, 19 का जो आप पेपर देखेंगे उसमें जो कट ऑफ आई थी वो 100% आई थी, समझ गए, 100 में से 100, ये क्यों आई थी, क्योंकि पहले साल में जो पेपर हुआ था बहुत आसान हुआ था, जैसे ही 2020 आया उस समय जो पेपर दिया सबके जो है मार्क्स नीचे हो गए, 15-15, 20-20 मार्क्स नीचे हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि जब दूसरी बार देखा JNU ने, यार बच्चे तो 100 में से 100 मार देते, तो पेपर का पैटर्न थोड़ा हार्ड किया जाए, पेपर का पैटर्न हार्ड हो गया, और जो भी एंट्रेंस पहली बार एग्ज़ाम लेता है उसका पेपर नॉर्मल ही आता है, और ये UG में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब UG का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि UG का पेपर जो है आसान आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंडक्टेड यूनिवर्सिटी जो भी कुछ है,
अगर आप वो पहली बार एग्ज़ाम लेती है, वो पहले नॉर्मल पेपर लेती है, समझ गए। वो वही देखने को मिला यूजी में, नॉर्मल पेपर ही हुआ था। वो कट ऑफ हाई तो जाएगी, जब नॉर्मल पेपर आया सब बच्चे पढ़ के जाएंगे तो कट ऑफ तो हाई है, बिल्कुल जाएगी ही, समझ गए। बाकी बात करें कि पीजी वालों के लिए, तो पीजी वालों को पेपर नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब ये नहीं है कि पूरी मतलब इजी क्वेश्चंस आ जाएं, तो उसमें मॉडरेट भी रहेंगे, कुछ टफ भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो सभी मतलब देखने को मिलेंगे। कह सकते हैं कि हाँ, एक मॉडरेट पेपर आपको देखने को ना मिलेगा, ना इजी ना हाई, समझ गए। तो बिल्कुल इसलिए आप सभी को बताया, सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक दी जाएंगी, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की या सीयूसेट पीजी की, तो आप सभी को बताया जाएगा, बशर्ते चैनल पर जरूर बने रहें। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो आती है, आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।